अगर आप कुछ टाइम से वर्कआउट कर रहे हो तो आपके कुछ ना कुछ छोटे मोटे इंजरीज या पेन्स हुए होंगे। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये इंजरीज होते क्यों हैं और इनको कैसे अवॉइड करें। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं ट्रॉमेटिक इंजरीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रॉमेटिक इंजरीज वो इंजरीज है जो एक्सीडेंट से होते हैं या सडनली होते हैं और उनके कॉजेस काफी ऑब्वियस होते हैं। मैं डेवलप्ड इंजरीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो जिम में होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेडलिफ्ट करने के टाइम लोअर बैक का पेन या प्रेसिंग करने के टाइम फ्रंट शोल्डर में पेन। ये पेन्स ज्यादातर एक मूवमेंट में स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे करके हर जगह दिखने लग जाती है। तो बेसिकली कोई भी मूवमेंट में कुछ मसल्स होते हैं जिनको स्ट्रेच करना पड़ता है और कुछ मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में जॉइंट्स को स्टेबलाइज करते हैं। अभी अगर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का फंक्शन इनकरेक्टली हो रहा है, यानी कि जो मसल को स्ट्रेच होना चाहिए वो स्ट्रेच नहीं हो रहा है या जो मसल को फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए वो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, फिर मूवमेंट डिसफंक्शनल यानी कि गलत हो जाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और फिर ये सेम मूवमेंट पैटर्न हर जगह दिखने लग जाता है। ये डिसफंक्शंस के दो मेन रीजन होते हैं। नंबर वन है मसल इंबैलेंस। अगर कोई भी रिलेटेड मसल ग्रुप में एक पर्टिकुलर मसल वीक है तो सबसे पहले वो ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से वो बाकी सारे मसल्स को अलाइनमेंट से हटा देता है, जिसके वजह से मूवमेंट करेक्टली कर नहीं पाते। साथ में अगर कोई भी रिलेटेड मसल ग्रुप में वीकनेस है तो फिर ऑटोमेटिकली बॉडी जो मेन मसल है उसको और टाइट कर देगा ताकि दूसरे मसल में इंजरी ना हो, लेकिन इसकी वजह से फिर पेन स्टार्ट हो जाती है और मूवमेंट डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, ओवरहेड प्रेसिंग में फ्रंट शोल्डर में पेन। ये ऑलमोस्ट 80-85% लोग जो जिम में जाते हैं उनको कभी ना कभी होता ही है ये प्रॉब्लम। तो इसका एक रीजन ये है कि अपर बैक के मसल्स फ्रंट के मसल से वीक है, क्योंकि सब लोग फ्रंट के मसल ज्यादा ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग चेस्ट डे करेंगे, शोल्डर डे करेंगे, लेकिन बैक डे सिर्फ एक होगा और उसमें डेडलिफ्ट भी डाल देंगे, जबकि अपर बैक का अलग डे होनी चाहिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली अपर बैक का ट्रेनिंग वॉल्यूम और इंटेंसिटी आपके फ्रंट मसल से ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादातर लोग में रोम्बॉइड्स, लोअर ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स, रियर डेल्ट्स, ये सारे मसल्स उनके फ्रंट मसल्स जैसे पेक्टोरल्स, एंटीरियर डेल्टॉइड से कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वो मसल्स प्रॉपरली शोल्डर गर्ल को स्टेबलाइज नहीं कर पाते और फिर अपर बॉडी में टाइटनेस स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली फ्रंट शोल्डर में, जिसके वजह से सारे मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आने लग जाता है, स्पेशली ओवरहेड प्रेसिंग मूवमेंट्स में। अभी ओवरहेड प्रेसिंग मूवमेंट्स में ये ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि उस पोजीशन में शोल्डर स्ट्रेच्ड है और वहां पर ये डिसफंक्शन ज्यादा विजिबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ओवरहेड प्रेसिंग इसका रीजन था। ओवरहेड प्रेसिंग में सिर्फ प्रॉब्लम दिख रहा है, प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि आप रोज कम कर रहे हो और पुलिंग एक्सरसाइजेस कम कर रहे हो। तो ये एक रीजन है। डिसफंक्शन का दूसरा रीजन है इम्प्रॉपर मैकेनिक्स, यानी कि बॉडी ऑटोमेटिकली मूवमेंट को गलत कर रहा है। इसके भी दो रीजंस होते हैं, एक है मसल इंबैलेंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दूसरा रीजन ये होता है कि बॉडी को खराब आदत लग चुकी है क्योंकि आपने कोई एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर तरीके से इतने बार कर चुके हो कि बॉडी ने वो पर्टिकुलर मूवमेंट को रट लिया है उस पर्टिकुलर मैकेनिक्स के साथ जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। इसको समझने के लिए अगेन हम लोग फ्रंट शोल्डर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो काफी लोगों को ओवरहेड प्रेसिंग में फ्रंट शोल्डर में पेन होता है। अभी आपको यह समझना पड़ेगा कि शोल्डर में पेन नहीं होने के लिए शोल्डर ब्लेड, शोल्डर, नेक और आर्म्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लोर पे पुशअप करोगे, आप देखोगे बॉटम पोजीशन में शोल्डर ब्लेड पास में आ जाते हैं और टॉप पोजीशन में शोल्डर ब्लेड थोड़े खुल जाते हैं। तो ये शोल्डर ब्लेड का जो मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शोल्डर को हेल्थी रखने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग बेंच प्रेस करते हैं। अभी जब हम बेंच प्रेसिंग कर रहे हैं, हमारा अपर बैक बेंच के ऊपर लेटा हुआ है और हमारा बॉडी वेट शोल्डर ब्लेड्स पे है, साथ में बार का वेट भी शोल्डर ब्लेड पे है। इसकी वजह से बेंच प्रेस करने के टाइम शोल्डर ब्लेड बिल्कुल हिल नहीं पाता। तो बॉडी को आदत पड़ जाती है कि कैसे हम प्रेस करें बिना शोल्डर ब्लेड को हिलाए। अनफॉर्चुनेटली ये बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी बेंच प्रेस में तो ये सही मूवमेंट है कि शोल्डर ब्लेड को मत हिलने दो, तो बेंच प्रेस में कभी पेन पता नहीं चलता। लेकिन जैसे हम कोई दूसरा एक्सरसाइज करते हैं जैसे डिप्स या ओवरहेड प्रेसिंग जिसमें शोल्डर स्ट्रेच हो रही है, तो वहां पर पेन पता चल जाता है क्योंकि वहां पर शोल्डर ब्लेड को मूव करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन लोग क्या करते हैं, डिप करना बंद कर देते हैं, ओवरहेड प्रेसिंग करना बंद कर देते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम था जो बेंच प्रेस है उसको ठीक नहीं करते और इसकी वजह से उनको एक खराब आदत पड़ जाती है।
इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है बॉडी वेट स्क्वाटिंग या असिस्टेड स्क्वाटिंग। काफी लोग स्क्वाटिंग सीखने के लिए सपोर्ट लेकर स्क्वाट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट इतना लेते हैं कि वो पूरा वेट पीछे की तरफ गिरा देते हैं, लेकिन जैसे ही आप रॉड के साथ स्क्वाट करने का कोशिश करोगे आपको आगे झुकना पड़ेगा, लेकिन वो आगे झुककर बैक को आर्च नहीं कर पाते क्योंकि उनको पीछे की तरफ आर्च करने की आदत पड़ चुकी है और इसके वजह से वो टेक्निक को फिर करेक्टली कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक्चुअली एक रिलेटेड एक्सरसाइज यूज करना पड़ता है जो सिमिलर है मेन मूवमेंट के तरह, लेकिन जिसमें हम लोग प्रॉपर टेक्निक यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंच प्रेस को ठीक करने के लिए हम पुशअप्स यूज कर सकते हैं और स्क्वाट को ठीक करने के लिए हम लंजेस यूज कर सकते हैं। इन इंजरीज को क्योर करने के लिए हमको करेक्टिव एक्सरसाइज करनी पड़ती है जो काफी मुश्किल काम होता है। इनफैक्ट हम अपने वेबसाइट पे अभी करेक्टिव एक्सरसाइज का कोर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इन इंजरीज को अवॉइड करना एक्चुअली काफी आसान होता है और इनको अवॉइड करने के लिए हम तीन मेन चीज को ध्यान में रख सकते हैं। नंबर वन, बॉडी को बैलेंस्ड रखो। तो सारे मसल ग्रुप्स ऑलमोस्ट इक्वली स्ट्रांग होने चाहिए, कम से कम जो रिलेटेड ग्रुप में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट शोल्डर मसल्स और रियर शोल्डर मसल्स का सेम स्ट्रेंथ होना चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्स का कंपेरेबल स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर कोई भी एक मसल ज्यादा वीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपके कौन से वीक बॉडी पार्ट्स है और उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो। स्पेशल फोकस देनी चाहिए हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, एब्स और अपर बैक के मसल्स पे। इसी का एक पार्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी में इंबैलेंस। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर जॉइंट में आपका एक एंगल में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और दूसरी तरफ कम, क्योंकि ये भी बेसिकली एक प्रकार का इंबैलेंस हो जाता है, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेन में ये काफी कॉमन प्रॉब्लम होता है कि पीछे की तरफ शोल्डर स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन जब ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तब मोबिलिटी कम होती है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। दूसरा चीज है बिगिनिंग स्टेज में टेक्निक पर फोकस करना। अभी शुरू शुरू के स्टेजेस में लोग ज्यादातर हर सेशन में रिजल्ट्स चाहते हैं और इसकी वजह से ज्यादा रेपिटेशन करने की कोशिश करेंगे या ज्यादा वेट यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो कि अभी तक बिगिनर्स को प्रॉपर टेक्निक का आदत लगा नहीं है और इस टाइम पे जो खराब आदत बनेंगे वो आगे जाकर इंजरीज कॉज करेंगे। इसलिए बिगिनर की ट्रेनिंग को थोड़ा बहुत स्लो डाउन करना चाहिए और पहले 2 से 3 महीने ज्यादा से ज्यादा टेक्निक पर फोकस होना चाहिए, उतना ज्यादा रिजल्ट्स पे नहीं। नंबर 3, जितना हो सके आपको क्लोज चेन काइनेटिक मूवमेंट्स यूज करना चाहिए। क्लोज चेन काइनेटिक मूवमेंट वो मूवमेंट्स है जहां पर आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट फिक्स्ड होता है और बॉडी मूव करता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्क्वाट। जबकि ओपन चेन काइनेटिक मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट्स है जहां पर बॉडी एक जगह रहता है और कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव करता है, जैसे बेंच प्रेस या लेग प्रेस। तो बेसिकली ओपन चेन मूवमेंट्स ज्यादातर मशीन एक्सरसाइजेस होते हैं और इन एक्सरसाइजेस में एक्चुअली कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव करता है आपके स्ट्रेंथ कर्व को एडजस्ट होने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आपका नेचुरल जॉइंट अलाइनमेंट इसकी वजह से खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्वाटिंग कर रहे हो और आप गलत टेक्निक से स्क्वाट कर रहे हो तो चांसेस है कि आप वेट को उठा नहीं पाओगे या आपका बैलेंस खराब हो जाएगा और आप वेट के पीछे की तरफ गिर जाओगे। तो अब हर अलग अलग तरीके से आपको फीडबैक मिल रहा है कि क्या मैं एक्सरसाइज सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, जबकि मशीन एक्सरसाइज में जैसे लेग प्रेस के एग्जाम्पल में हमको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है मशीन से कि क्या हम ये एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। कैसे भी करके हम लोग वेट उठा पाते हैं और इसके वजह से बॉडी के मूवमेंट पैटर्न्स खराब हो जाती है। इसलिए बिगिनर्स को मशीन्स को अवॉइड करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और बारबेल और डंबल एक्सरसाइजेस पे फोकस करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर फीडबैक बॉडी पे डायरेक्ट है। मशीन एक्सरसाइजेस का अजीब बात यह है कि वो एक्सरसाइज करने के टाइम एक्चुअली कोई पेन नहीं होगा बॉडी में, लेकिन जब आप नॉर्मल मूवमेंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेग्स को लेग प्रेस के साथ ट्रेन किया है और फिर आप बॉडी वेट स्क्वाट करना स्टार्ट करोगे तो बॉडी वेट स्क्वाट में पेन फील होगा। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि बॉडी वेट स्क्वाट एक नेचुरल मूवमेंट है और उसमें जॉइंट अलाइनमेंट परफेक्ट होना जरूरी है, जबकि लेग प्रेस एक अननेचुरल मूवमेंट है और उसमें आप बिना परफेक्ट जॉइंट अलाइनमेंट का भी एक्सरसाइज को कर पाओगे। अनफॉर्चुनेटली पेन फिर स्क्वाट में फील होगा क्योंकि लेग प्रेस से आपने स्क्वाट को खराब की है, लेकिन लेग प्रेस में कभी पेन फील नहीं होगा क्योंकि आपका बॉडी लेग प्रेस के लिए अडेप्ट हो चुका है। तो हमेशा लोग क्या करेंगे कि बारबेल एक्सरसाइजेस और डंबल एक्सरसाइजेस को रूटीन से हटा देंगे और ज्यादा से ज्यादा मशीन एक्सरसाइज करते रहेंगे और फिर आगे जाकर ये एक बहुत बड़ी इंजरी बन जाती है और फिर भी उनको समझ नहीं आता कि इंजरी एक्चुअली मशीन की वजह से हुई थी, रॉड की वजह से नहीं। अगर आप या आपके क्लाइंट्स को ऑलरेडी इस प्रकार की इंजरीज या पेन हो रही है और आप जानना चाहते हो कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमारे वेबसाइट पर नजर रखिए।
हम अभी एक करेक्टिव एक्सरसाइज फॉर जिम्स कोर्स पे काम कर रहे हैं, जहां पर हम आपको ये सिखाएंगे कि आप जिम में सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे प्रॉब्लम को एसेस कर सकते हो, कैसे उसको टारगेट कर सकते हो और कैसे क्लाइंट को दोबारा रेगुलर ट्रेनिंग में वापस ला सकते हो बिना ये इंजरीज का। साथ में आप फ्यूचर में इन इंजरीज को अवॉइड कैसे कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हो, जहां पर रेगुलरली हम ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन के टिप्स देते हैं। आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हो इंडस्ट्री के बेस्ट एजुकेशन के लिए।